अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो भैया कैसे हो? आज बुध है, आज मैं कोहली से आ चुका हूँ। अब मैंने कहा चलो यार वीडियो ही बना लेते हैं। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो अच्छा कल मंगल थे और कल का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका आउट का लास्ट मैच, रिजवान से लव ही हो गया कल। जो रिजवान ने इनिंग्स खेली और अब्दुल्ला शफीक, बहुत ही आला मैच हुए कल। और कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान को, और आगे भी इंशाल्लाह इस मैच से। वैसे इंडिया के लगता है रोंगटे खड़े हो गए होंगे, है ना? नहीं परसों की बात है, परसों मुझे कॉलेज में, मतलब कि अब मैं घर आ गया था तो रात को ग्रुप बना हुआ, ग्रुप में मैसेज आया था कि भाई कल ट्रायल है, तो आपको भाई क्रिकेट तो खेलता है, अच्छा तो क्रिकेट खेलते रहते हैं अक्सर, हार्ड बॉल भी और टेबल भी। तो कल फिर मैं किट ले के पहुंच गया कॉलेज। मैंने सर से पूछा, नवा में नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ था कि आज ट्रायल है, तो उसके बाद कोचिस आ गए तो ट्रायल हुए। ट्रायल में आपका भी सिलेक्ट हो गया। और आज थे फुटबॉल के ट्रायल। फुटबॉल के ट्रायल में आज मेरे दोस्त कुछ, मतलब कि तीन तीन दोस्त हमारे सिलेक्ट हुए हैं फुटबॉल्स के ट्रायल में, और अच्छे प्लेयर थे वो भी, इतने माठे नहीं थे। और आज हमने प्रैक्टिस भी किया है ग्राउंड में हार्ड बॉल की, आप वो देखें आगे। हाँ तो भैया यहाँ पे और थे क्रिकेट के ट्रायल, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और कोच वहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट कर रहे थे। बॉलर भी अपनी बॉल करा रहे थे और उसके हिसाब से नाम लिखते थे बच्चों का। और ये हो रहे हैं फुटबॉल के ट्रायल। फुटबॉल के ट्रायल में भी बच्चे को खिला रहे थे और देख रहे थे बच्चा कैसे खेल रहा है, कोई एफिशिएंसी मारता है कि नहीं। इस तरह देख रहे थे बच्चों को, जो अच्छा खेलता है उसको सिलेक्ट कर रहे थे, उसका नाम भी लिख रहे थे, उसका फ़ोन नंबर भी ले रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो भैया आज मैं एकेडमी से आ चुका हूँ अब, और एकेडमी से अभी भी वापस आया हूँ। और मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेते हैं। अब नज़ला भी लग गया, मुझे तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, वीडियो बना लेते हैं अपने भाइयों के लिए। तो आपने वीडियो देखी होगी, अगर अच्छी लगी हो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। तो अच्छा मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी। तो हमारे जो ना केमिस्ट्री के जो टीचर थे, केमिस्ट्री के सर, उन्होंने ना वो बता रहे कि ना वो ना पंजाब पुलिस में टीचर थे। तो जब ब्रेक हुई ना तो उन्होंने कहा, ब्रेक टाइम वो ना कंटीन में खड़े हुए थे, तो उनके पास ना एक आम आदमी आया, मतलब कि जितना आम आदमी होता तो ना वो आया उनके पास। और उसने ना सर से ना सवाल किया कि ना हमारे सर से, यहाँ पे सर जो नया टीचर भर्ती हो रहा है, और पंजाबी जो पंजाबी में उसने सवाल किया, उस्ताद जी जरा, उसने इस तरह कहा कि ना उस्ताद जी जरा इधर नवा टीचर भर्ती हो रहा है, और कितने का, मतलब कि कितने पैसे में हो रहा है, कितनी उसको फीस मिलती है, कितनी उसको, मतलब कि टीचर जो है उसको कितने देते हैं जो टीचर यहाँ पे भर्ती होते हैं नया, उसका मतलब कहने का ये था। तो मेरे टीचर ने जो उस टाइम, मतलब कि उस टाइम जो जो पे करते थे ना टीचर को, सर ने बता दिया, सर ने कहा कोई 40,000 इधर देते हैं जो नया टीचर भर्ती होता है इधर। तो वो बंदा, उस बंदे ने सर को जवाब दिया कि ना इससे अच्छे से मजदूर है, पंजाबी में जवाब दिया, इससे अच्छे से मजदूर है जो महीने का 60,000 कमाता है। हमारे सर उधर चुप। या उस बंदे ने कहा 16 पढ़िया एमए, मतलब एमए होता है कि 16 पढ़िया। वो बंदा कहता है कि 16 पढ़िया बंदा 40,000 लेना है, मजदूर उन्हें जगह नहीं है ये 60,000 कमाता है। अब एक तो एक बात ये भी है कि मजदूर मेहनत भी करता है अपनी, टीचर भी मेहनत करते हैं अपनी, लेकिन पाकिस्तान में ना इस टाइम आपको पता होगा हालात पाकिस्तान में कैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई की बिल्कुल कदर नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कोई पढ़ाई कदर नहीं कर रहा। बाहर के मुल्क, मतलब के यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई बहुत, मतलब के वहाँ पे पढ़ाई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पाकिस्तान में इस टाइम जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान में सिर्फ बिजनेसमैन कामयाब है, सिर्फ एक बिजनेसमैन, बाकी जो है मिडिल क्लास वो तो पिस रहा है, वो तबका पिस रहा है। और बाकी जिसके, मतलब के बिजनेस जिनके वालदैन का पहले से सेट हुआ हुआ है तो वो तो सही कामयाब है, लेकिन बाकी तबका जो है वो पीस रहा है। और हमारे मतलब आपको मैं सिखा, जितनी कोशिश हो सके आपकी, आप मतलब के बाहर चले जाओ, बाहर का मतलब है नहीं कि कार दे बाहर चले जाओ, बाहर का मतलब ये है कि आप चले जाए हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, आपने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। तो मेरा आपको यही मैसेज है कि अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और हमारे सर ने भी हमें यही मशवरा दिया, मैंने कहा चलो यार आगे मैसेज दे देते हैं ताकि कोई इसे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर ले। अच्छा हमको सिखा रही इस
इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मैं उसका लिंक आपको ना शेयर कर दूंगा, तो आपने उस लिंक पर जब जाना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाएंगे। वो उसका ग्रुप है स्कॉलरशिप, उसका नाम है व्हाट्सएप का। अब फेसबुक उसका लिंक भी है, फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप उसका नाम है, स्कॉलरशिप के नाम से फेसबुक में उसका पेज है, तो आप वहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब के बाहर के मुल्क में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई मतलब के स्कॉलरशिप, कोई स्कॉलरशिप की कोई सीट आती है मतलब कोई स्टूडेंट की, तो वो बच्चा वहाँ पे मतलब के टेस्ट दे, वहाँ पे अपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करे और वो इस तरह कर सकता है, अपने मतलब के बाहर जा सकता है स्कॉलरशिप पर। और मैं तो यही कहूँगा आप मतलब कि यहाँ डिग्री पहले कर लें यूनिवर्सिटी से, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं तो आपको मतलब कि बाहर से तो नहीं, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती हैं। अब मेरे अंकल थे, उनका बेटा उसने सिविल इंजीनियरिंग की है फास्ट यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की है, तो वो बता रहे थे कि ना सिविल इंजीनियरिंग वो कर रहे थे, उनके दोस्त थे कंप्यूटर के, अभी वो कंप्यूटर के लास्ट सेमेस्टर में थे और उनको पाकिस्तान में ही मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख मतलब के 1,50,000 जॉब मिल गई थी, अभी लास्ट सेमेस्टर में थे, अभी मतलब कि सेमेस्टर उनका उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, लास्ट सेमेस्टर में थे, उनको जॉब ऑफर्स हो गई थी, लेटर मिल गया था उनको जॉब लेटर। अगर हमने इंजीनियर बनना है इस तरह, तो मैं भी इंजीनियरिंग की फील्ड से हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि UET से इंशाल्लाह डिग्री लेके और इंशाल्लाह बाहर जाएंगे, और इंशाल्लाह तो आप मेरे मैसेज को आगे भी जाए शेयर करें मेरी वीडियो को, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक नई वीडियो लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।